छत्तीसगढ़ के कवर्धा में शुक्रवार को 108 फीट ऊंचे खंभे पर धर्म ध्वजा फहराई गई। जिले में हुई हिंसा के करीब 2 महीने बाद यह धर्म ध्वजा वहीं फहराई गई जहां से झंडा उतारने को लेकर विवाद शुरू हुआ था। इससे पहले शहर में भगवा ध्वज लिए करीब 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकाली। इस दौरान पूरा इलाका जय श्री राम और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। डंडी स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने कहा कि अब वातावरण बदल रहा है। दरअसल झंडे को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद जब हालात सुधरे तो साधु संन्यासियों ने शहर में 108 फीट ऊंची धर्म ध्वजा फहराने का निर्णय लिया। इसको लेकर श्री शंकराचार्य जन कल्याण न्यास ने तैयारी शुरू कर दी थी। तय समय पर राम जानकी मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में हजारों की संख्या में हिंदू धर्मावलंबी शामिल हुए। शोभा यात्रा राजमहल चौक होते हुए वीर स्तंभ चौक और वहां से लोहारा नाका चौक पहुंची। वहां से यात्रा कर्मा चौक पहुंची और वहां पहला झंडा फहराया गया। प्रशासन की ओर से तय जगह परशुराम चौक पर विधिवत मंत्रोच्चार के साथ 108 फीट ऊंचे खंभे पर धर्म ध्वजा लहराई गई। यहाँ की जनता के साथ किस तरह का छल किया जा रहा है उसका एक नमूना आज सवेरे हमको यहाँ के अखबारों में देखने को मिला। तो ये जो हमारे लोग हैं, जो हमारे प्रतिभाव रखते हैं, उन्होंने जो हमको अभी सहयोग किया है, जिसके कारण हम ये खंभा खरीद पाए, ये झंडा हम बनवा पाए, हम टिकट कटवा करके आ पाए, संतों को यहाँ पर बुला कर बैठा पाए, उनको खिला पाए, उसके लिए इनमें से कितने कितना रुपया दिया। अगर किसी निर्णय में, अगर किसी व्यवहार में, क्रियान्वयन में इनमें से कोई भी एक व्यक्ति रहा हो तो वो सामने आकर के इसी तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि मैंने ये किया है आपके लिए, और अगर नहीं किया है तो इस तरह का विज्ञापन छपवा करके ये भ्रम जो पैदा किया जा रहा है कि हम ही आयोजक हैं, ये निंदनीय है। और इससे हमको इस बात का, हमारे तो रोमांच हो रहा है, हमको तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे झूठे मक्कार खरेब करने वाले, जनता को धोखा देने वाले लोग विधायक कैसे हो सकते हैं और मंत्री कैसे हो सकते हैं। हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से, आप पत्रकारों के माध्यम से इसी समय बहुत गंभीरता पूर्वक अनुरोध करना चाहते हैं कि खरेब करने वाले, छल कपट करने वाले मंत्री को तत्काल पद से बर्खास्त किया जाए।